सर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथ में माननीय साहब लोकायुक्त सरिया जी, जिला अध्यक्ष अमरपाल राणा जी, जेजेपी के जिला अध्यक्ष किशन राठी जी, जुलाना के विधायक अमर जी झांडा जी, दरवाना के विधायक राम निवास सुधा खेड़ा जी, वन्य जितने भी अधिकारीगण पदाधिकारीगण इस मीटिंग में पहुंचे हैं, सबका स्वागत अभिनंदन है। और जितने शिकायतकर्ता भी यहाँ, ओम प्रकाश दुहा साहब और मेहर सिंह जी व अन्य जितने भी इस मीटिंग के अध्यक्ष और हरियाणा सरकार के श्रम और रोजगार मंत्री हमारा एमएलए अगर वॉकआउट कर गया तो वी आर ऑल्सो विद हिम। मैं बुला लेता हूँ जाके, ये कौन सी बात नहीं, वो किस लिए गए, किस लिए रे? ये तो इसलिए कि वो मेरा विधायक चलेगा, वी आर क्यों चलेगा, वॉकिंग आउट अंडर प्रोटेस्ट। मैं ले आऊ तो जाके, वो आपका बचपन है, तुम्हें जान रहे मैं आपसे कमाल है। मैं सब कहा हो, रुक जाओ आप मंत्री देव, अरे बात हो रही है, हेलो थोड़ी बात है, मैं ले आता हूँ, आप इतनी बड़ी बात क्यों बढ़ा रहे हो, मैं खुद ले आता हूँ। बात बढ़ाने की क्या बात है, मैं ले आता हूँ। अरे विधायक इस तरह जुलम होया करेंगे, आप इस बात को बढ़ाए ना, क्यों नहीं बढ़ा हुए, कमाल की बात करो आप, इतने छोटे में बेइज्जती करने लग रहे विधायक की, हम बात भी ना बढ़ा बढ़ाओ, कोई नहीं जी, कोई नहीं, हम वॉकआउट कर रहे हैं, देयर इज नो नीड ऑफ सच एक्शन प्लीज। वो बताएंगे, लेकिन हमने उनके उसके मनोज्ञान पढ़ करके कहा कि वो नाराज होकर के गए हैं, उनकी हमने इंसल्ट सहन नहीं कर सकते, इसलिए माननीय विधायक के साथ हमारा जितना भी ग्रीवेंसेस कमेटी का सदस्य है जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, हम अंडर प्रोटेस्ट वॉकआउट करके आए, वो तो वो बताएंगे, उनका स्पष्टीकरण वो बताएंगे। रामपुर जी कोई जरूरी काम नहीं हो सकता है जी, वो पहले से वहाँ कुर्सी पे बैठे थे, मंत्री जी के पास वाली कुर्सी पे थे, जब वो आए मंत्री जी उनको उठा दिया, और कोई पुलिस वाला शायद मेरे को नहीं पता किस रैंक का हो गया, कौन है, किस रैंक के हैं, उनको बिठा दिया और वो खड़े रह गए, उनको जब जगह नहीं मिली तो ये तो विधायक की बहुत बड़ी बेइज्जती है, वो उठ के चले गए, जैसे हमारा ध्यान पड़ा कि हमारे विधायक कहां गए, जब हमने देखा विधायक नहीं है तो हम भी उठ के आगे वहाँ से, और हम क्या कर सकते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वहाँ नहीं है।